श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक संख्या 15। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृच। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तात्पर्य, यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती, उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रियों कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, जो कलमश रहित होती हैं। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में अपाणि पादो जवनो ग्रहिता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कलमशों से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते। वे सब कुछ देखते हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पांव नहीं हैं, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक पांव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं हैं, उनके अपने नेत्र पांव हाथ सभी कुछ होते हैं। और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं। लेकिन उनके हाथ पांव नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होती। भगवद गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथा रूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है, जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। यद्यपि हमें उनके हाथ पांव सिर मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कलमशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते, अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। हरे कृष्ण।